औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नॉलेज टॉक्स में खुशामदीद। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ खुदा ताला के बाबरकत नाम से, जो बेहद मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हम सबको ईमान व आफ़ियत के साथ तंदुरुस्त, सलामत और शादो आबाद रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, मेरा आज का वीडियो एक मालूमाती वीडियो है। आप अपने बच्चों को साथ लेकर बैठा करें ताकि उनको भी इन चीज़ों से, इस इलम से आगाही हो। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और फिर फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, तो आइए अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। और मेरी आज की कहानी एक परिंदे पर है जिसको उर्दू में हुदहुद कहते हैं, इंग्लिश में हूपियो बर्ड, और इसको हाउस बर्ड भी कहा जाता है। आज मैं आपको एक मारूफ परिंदे के मतलब आगाह करूंगी, जो अपनी नौइयत का एक अनोखा और बहुत ही इंटरेस्टिंग परिंदा है। और वो इस तरह कि ये परिंदा ज़मीन की पोशीदा चीज़ें भी देख सकता है, और ये सिर्फ उसको रब कायनात की तरफ से अता की गई है। और आप सब उसकी ये कहानी सुनकर मेरे साथ इस कहानी को बहुत लुत्फ अंदोज होंगे। नाज़रीन, तो ये एक छोटा सा परिंदा है जिसके सर पर एक कलगी होती है जिसे हम इसका ताज कहते हैं। इसकी लंबी और पतली सी चोंच होती है जो सर के पिछले हिस्से तक जाती है, और इसके परों में मुख्तलिफ किस्म की लाइनें होती हैं जो मुख्तलिफ रंगों में होती हैं, यानी सफ़ेद और काली अक्सर औकात इस तरह से हैं, और ऑरेंज कलर भी इसमें पाया जाता है। लेकिन ये एक बदबूदार परिंदा है, ये गंद को पसंद करता है, और अपना घोंसला भी ये एक बदबूदार जगह पर बनाता है। और बाज़ुकात ये दरख्त के तने के अंदर अपनी चोंच के साथ उसको कुरेद कुरेद कर अपना घोंसला बनाता है, और इसको ये घोंसला बनाने में तकरीबन 3 हफ्ते से 4 हफ्ते लग जाते हैं। और कहा जाता है कि ये परिंदा हुदहुद ज़मीन के नीचे पानी की सतह को देख सकता है, जैसे बंदा ग्लास के अंदर पानी को देख सकता है। और ये परिंदा हुदहुद हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह ताला के बरगजीदा और जलील और कदर नबियों में से हैं, और आप अलैहिस्सलाम सैयदना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। आपका हस्बो नसब यहूद से शुरू होकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से ये मुजज़ा दिया गया था कि वो परिंद चरिंद सब की बोलियों को समझते थे, इसलिए हर चरिंद परिंद अपनी अपनी ज़बान में हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम से बातें करते थे। इसलिए हर चरिंद परिंद बहुत खुश थे कि हम अपनी रुदाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बयान कर सकते हैं। एक दिन मामूल के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था, और उस रोज़ भी हर परिंदा अपनी सफ़ात और अपने हुनर की बात उन्हें बयान कर रहा था। जब हुदहुद की बारी आई तो हुदहुद ने अर्ज़ किया कि ए इल्म और हिकमत के बादशाह, मुझ में एक ख़ास खूबी पाई जाती है, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपकी खिदमत में बयान करूँ कि मैं ज़ेरे ज़मीन पानी का अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि पानी कितनी गहराई पर है। मैं पानी को इस तरह देख सकता हूँ
जैसे इंसान शीशे के ग्लास में पानी को देख सकता है। इस तरह मुझे जेरे जमीन पानी का पता चल जाता है, जिस पर हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की इस खूबी की तारीफ करते हुए अरशाद फरमाया कि तुम सफर में सहराओं में जब हम सफर के दौरान आप हमारे साथ हमारे ग्रुप के साथ रहना ताकि पानी का खोज लगाया जा सके। इसलिए ये परिंदा पानी के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रहबर था और ज़मीन के नीचे पानी की तह का अंदाज़ा लगाकर उनकी रहनुमाई करता था। नाज़रीन, अब मैं आपको हुदहुद के मतलब और मज़ीद मालूमात देते हुए इसके तिब्बी फवाद से आगाह करती हूँ। जो आदमी ख्वाब में हुदहुद को देखे तो उसे मालो दौलत हासिल होगी। अगर कोई आदमी हुदहुद के बाएं बाजू का सबसे बड़ा पर अपने पास रखे तो वो मकबूल हो जाएगा। अगर किसी पागल इंसान को हुदहुद के सर का ताज की धुनी दी जाए तो वह शफायाब हो जाएगा। अगर ज़िबा किया हुआ हुदहुद किसी घर में लटका दिया जाए तो घर के अफराद जादू से महफूज रहेंगे। अगर कोई शख्स हुदहुद की दाई आंख अपने बाजू पर बांधे यानी किसी कपड़े में लपेट कर हुदहुद की दाई आंख अपने बाजू पर बांध लेता है तो वो इंसान जिसके पास भी जाएगा वो इंसान उससे मोहब्बत करेगा। अगर कोई शख्स हुदहुद की आंतों को ड्राई कर लेता है, उसका पाउडर बनाकर अगर वो रोगन कंज में मिलाकर सर और दाढ़ी पे लगाता है तो उसके बाल सारे 3 दिन में इंशाल्लाह स्याह हो जाते हैं। अगर किसी को नकसीर का प्रॉब्लम हो, खून बंद ना हो रहा हो, नाक से खून किसी वक्त भी आना शुरू हो जाता है तो हुदहुद की दुम उसकी गर्दन में डाल दी जाए तो उसकी नकसीर बंद हो जाएगी और वह इंसान जल्द सेहत याब हो जाएगा। और अगर कोई बंदा हुदहुद की चोंच लेकर बादशाह के पास जाए तो उसकी हर दिली हाजत पूरी हो जाएगी। अगर कोई हुदहुद के घोंसले की मट्टी किसी कैद खाने में डाल दे तो उसके सारे कैदी आज़ाद हो जाएंगे। अगर घर में हुदहुद के परों की धुनी दी जाए तो कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। अगर किसी इंसान को भूलने का मरस यानी नस्यान का मरस है तो उसकी गर्दन में हुदहुद की आंख लटका दी जाए तो वो इस मरस से शफायाब हो सकता है। तो नाज़रीन, ये थी हुदहुद के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप तक पहुँचाई। अगर आपको मेरी ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और इस स्टोरी को अपने रिलेटिव और दोस्तों में शेयर कीजिए। इस दुआ के साथ मैं अपनी वीडियो का अहतमाम करती हूँ। मेरा खलूस, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हों। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।